या थिएटर में किसको देखने के लिए आए? वायरल गर्ल काजल को हम देखने के लिए। काजल के लिए तो वही है, काजल गर्ल वायरल है, बाकी को तो हम लोग जानते नहीं है ना, जिनका जानते हैं वही मतलब है। ना शादी नहीं कर सकते, उसके कलाकारी जो है ना वो मतलब हम देखने। काजल में क्या पसंद है? उसका डांस। अच्छा, आप थिएटर में किसको देखने के लिए आए थे? काजल को। काजल को जी। काजल के फैन है आप? नहीं, अगर चालू होगा तो मेला टूट जाएगा। अगर थिएटर चालू नहीं है तो मेला टूट जाएगा। मेला टूट। जय हिंद, आप देख रहे हैं फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज चैनल, मैं हूं प्रवीण। आपको बता दें कि कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा मेला यानी कि सोनपुर का बड़ा, जो सोनपुर का मेला है, और उस मेला में जैसे कि आप लोगों ने पिछले साल देखा ही था कि जो काजल थी बहुत ही ज़्यादा वायरल थी, जैसे कि आप लोग पोस्टर में देख पा रहे होंगे वायरल गर्ल काजल। मतलब कि कहा जाए तो सोनपुर के मेला में मतलब बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी काजल, और कहा जाए तो इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग पिछले साल आए थे, और इस साल भी कहा जाए तो दर्शकों की उत्सुकता बढ़ी हुई है। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि अभी तक ये थिएटर जो है चालू नहीं हुआ है, और इस थिएटर के पास आ करके बहुत सारे लोग लौट करके जा रहे हैं। हालांकि क्या कारण रहा है, SDPO से बात किया गया तो वो सर बता रहे हैं कि लाइसेंस दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक कहा जाए तो थिएटर के जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि एक दिन का लाइसेंस दिया जा रहा है, एक दिन का लाइसेंस आखिर वो लोग करेंगे क्या। हालांकि आपको बता दें कि अभी आप जब से देख पा रहे हैं कि थिएटर जो है बहुत ही नामी थिएटर है, शोभा सम्राट थिएटर, जो कि कहा जाए तो पिछले साल बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, और इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक भी हैं, और यहाँ के लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा भैया, आपको कैसा लग रहा है इस मेला में आकर के? नहीं बोलिएगा, देखिए मतलब केवल लोग देखने के लिए आए हैं। अच्छा भैया, क्या कहना चाहिएगा इस मेला के बारे में? मेला ये नहीं, अगर चालू होगा तो मेला टूट जाएगा। अगर थिएटर चालू नहीं है तो मेला टूट जाएगा। मेला टूट जाएगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के लिए कि अभी तक उसको फुल्ली परमिशन नहीं मिला, 7 दिन से लोग बैठे हुए हैं? ये चालू हो जाएगा तो मेला जम जाएगा, और भी भीड़ भाड़ लगेगा। भीड़ भाड़ लगेगा जी, लोगों का व्यापार बढ़ेगा। जी, लोगों का व्यापार बढ़ेगा, जो लोग राजस्व में वृद्धि होगी। जी, वृद्धि होगी। अच्छा, आप इस मेला में आए हैं तो क्या यहाँ पर आने का कुछ खास रीजन? हम यही देखने के लिए आए थे, थिएटर देखने के लिए। जी, और आप अभी निराश होकर जा रहे हैं? जी जी। अच्छा, आप थिएटर में किसको देखने के लिए आए थे? काजल को। काजल को जी। काजल के फैन है आप? मतलब कहा जाए तो काजल के बहुत बड़े फैन हैं। देखिए, हंसिए मत, कोई देखिए कला का फैन होना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। काजल एक कलाकार है, और एक कलाकार है, और कलाकार देखिए कोई ख़राब नहीं होता है। उसके कला को देखना, उसे पुरस्कृत करना अच्छा चीज़ होता है, कला को बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहना चाहिएगा भैया इस मेला के विषय में? मेला में अभी तक थिएटर चालू नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? भैया, हम तो मोतिहारी जिला से आए हुए हैं देखने के लिए, यहीं शोभा सम्राट थिएटर, अभी तक ये चालू नहीं आया है। इन लोगों का कहना है कि एक दिन का दे रहा है लाइसेंस, तो उस पर कोई बेनिफिट नहीं होना इन लोगों को, और एक दिन का सम्राट, एक दिन का जो लाइसेंस मिला है वो तो उन लोगों को बेनिफिट नहीं होगा। जिससे क्या लगता है, एक दिन का लाइसेंस दे करके माने तो एक दिन में आखिर लोग क्या कर लेंगे? बहुत बड़ी कुछ नहीं कर पाएंगे, और एक दिन के लाइसेंस से क्या होगा, लोगों का भीड़ ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगा लोगों को। नहीं, डेली अगर एक दिन का अगर चालू रहता है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक दिन के लिए अगर चालू रहे, एक ही दिन भीड़ इतना हो जाए कि मेला संभाल ना पाए। डेली के लिए रहेगा तो हो सकता है कि थोड़ा मेला कंट्रोल में रहे। ऐसा बात है। अच्छा, आप प्रशासन के लिए क्या कहना चाहिएगा, जिला प्रशासन के लिए, जो अभी तक लाइसेंस को मतलब कहा जाए तो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं दे पा रही है? प्रशासन से हम यही कहेंगे कि जो लंबे समय के लिए अगर लाइसेंस दे रही है तो बेटर देन बेटर है। अच्छा, आप या थिएटर में किसको देखने के लिए आए हैं? वायरल गर्ल काजल को हम देखने के लिए। काजल के लिए? काजल के फैन है? हाँ, फैन है। अच्छा, काजल के किस हिसाब से फैन है? आपसे वो शादी करेगी? शादी कीजिएगा। ना शादी नहीं कर सकते, उसके कलाकार ही जो है ना वो मतलब हम देखने। काजल में क्या पसंद है? उसका डांस। उसका डांस, काजल का डांस, मुस्कुराहट, उसके मुस्कुराहट पर फिरा। चलिए, कहा जाए तो कलाकार के कलाकारी पे फिरा भी होना चाहिए। अच्छा, आपको कैसा लग रहा भैया इस मेला में आकर के? मेला में आने के बाद तो देखिए खुशी पूरी तरह से नहीं है, इसलिए कि ये मेला जो है थिएटर से ही प्रसिद्ध है। बाकी तो ये पूरी कचौड़ी तो हर मेला में मिलता है, कपड़े की दुकान, ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है। तो ये जब तक चालू नहीं है जब तक किसी को अच्छा नहीं लगेगा, पूरा सारे लोग उदास होकर कहीं जा रहे हैं। आप किसको देखने के लिए आए? यहाँ तो सब जितने कलाकार है सबको देखा जाएगा। मन रिक्शा लेकर के लोग चलते हैं किस कलाकार? वही है, काजल गर्ल वायरल है, बाकी को तो हम लोग जानते नहीं है ना,
इनका जानते हैं वही, मतलब कहा जाए तो थिएटर के पास, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे शोभा सम्राट थिएटर के पास अभी हम हैं, और यहाँ पर कहा जाए तो बहुत सारे लोग आकर के इर्द गिर्द, जैसे हम कैमरामैन से एक बार चाहेंगे आकर के दिखाने का प्रयास किए, देखिए काफ़ी सारे भीड़ चल रही मेला में। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए इस मेला में आने के बाद से लोग काजल को और कहा जाए तो लोग थिएटर को ज़्यादा पसंद करते हैं, हालांकि थिएटर अभी तक चालू नहीं हुआ है, इसमें लोगों की नाराजगी। हालांकि आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।